वैसे तो इंसानों को धरती की सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है, लेकिन जब एक इंसान का चिंपैंजी के साथ ब्रेन टेस्ट किया गया तब देखिए उस इंसान का क्या हाल हुआ। दरअसल जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी के प्राइम रिसर्च इंस्टीट्यूट में शॉर्ट टर्म मेमोरी को एनालाइज करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें उस प्रोग्राम के डायरेक्टर क्रिश और अयुमु नाम के एक चिंपैंजी पार्टिसिपेंट थे, जिसमें 1 से लेकर 9 तक नंबर को रैंडमली स्क्रीन पर फ्लैश किया गया। फिर अयुमु और क्रिश को वो नंबर के पोजीशन को मेमोराइज करने के लिए थोड़ा टाइम दिया गया और फिर उन सारे नंबर को प्लेन ब्लॉक से रिप्लेस कर दिया गया। अब क्रिश और अयुमु को 1 से लेकर 9 तक ऑर्डर में प्रेस करना था और अब जरा एक झलक डायरेक्टर साहब पे डालिए, जिसे सॉल्व करते वक्त कैसे टाइम लगा रहे हैं और उसके बाद भी ऑलमोस्ट हर बार फेल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ अयुमु द चिम्स को देखे, जो ऑलमोस्ट हर बार जवाब सही से दे रहा है। अयुमु ने लगभग 90% टाइम सही से जवाब दिया। सो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्लियरली बताता है चिंपैंजी का ब्रेन भी काफी डेवलप्ड है और इनके शॉर्ट टर्म मेमोरी तो डेफिनेटली हमसे बहुत अच्छे है। खैर, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं।